सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल धाम कॉलोनी के पास टीआरएस कॉलेज के एक छात्र के ऊपर कॉलेज के ही कुछ छात्रों ने किया हमला, छीने 35,000 रुपए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल धाम में रहने वाले 24 वर्षीय आशीष मिश्रा टीआरएस कॉलेज में एमकॉम फाइनल ईयर में पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम तिवारी कोच बस सर्विस में काम भी करते हैं। शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे वो बाइक में अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी कॉलोनी के गेट के पास कॉलेज के ही दो छात्रों ने उसे रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की और उसके पास रखा 35,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद घायल पड़े छात्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो लड़के आए, मतलब मैं उधर से आ रहा था गाड़ी देख के, अपनी मेरी गाड़ी बन रही है मिस्त्री वाले यहाँ, तो मैं वहाँ से देख के आ रहा था, घर जाके कपड़े वपड़े चेंज करके ऑफिस जाना था मुझे, तो मैं एजी कॉलेज वाले मोड़ से अपने कॉलोनी के लिए अंतर जैसे आ रहा था, तो एक लड़का बाइक से निकला तेज से, तो मैं अपनी बाइक से बचाने के लिए उस साइड चला गया, उस साइड गया तो इतने में टीआरएस कॉलेज से कोई टीचर जा रहा था, तो वो बोले कि ऐसे चला रहे हो, बदतमीजी से बात करने लगे, तो मैं गाड़ी खड़ी हुई, मैंने सर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, तो इतने में वो लड़के आए, तो लड़के वो आए गाली देने लगे, फिर बोले महाराज तो ऐसा है, बच्चे नहीं बताता ये है वो है, तो मैं मेरा दोस्त अर्पित था भाई का है, तो मैं नहीं पहचानता था उनको, तो मैं उसको लगाया फोन कि भाई देखे कौन है, मुझे गाली दे रहे हैं, से बात कर रहे हैं, तो अर्पित बोला बात करो, बात कराए, फिर हो गया वहाँ से व्यापी बोलने के, मैं चला आया, मैं आया जब घर के पास पहुँच रहा था, वहीं पर आगे से वो आके मुझे रोक के मारने लगे, तो पत्थर वाला गिटार बेच रखी थी वो उठा के पटकने लगे सर में, चैन लिया था एक चैन से मारा, तो मैंने वो चक्कू मार लिया था एक छोटा सा, वो जो मेन था जो पैसा चढ़ाया है, कितना 35,000 रुपये डाले थे।